मैं हूँ आपके साथ प्रियंका राय। हमारे खास प्रोग्राम विधायक की रिपोर्ट कार्ड में आप सबका स्वागत है। आज बात प्रदेश के हॉट सीटों में शुमार, विकास की तस्वीर, विधायक के कामकाज की करेंगे पूरी पड़ताल, चुनावी वादों और दावों पर होगी जनता से सीधी बात। पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। बांसवाड़ा जिले की 5 सीटों में से एक घाटोल विधानसभा आदिवासी बाहुल्य इलाका है। सांस्कृतिक तौर पर यह क्षेत्र भले ही समृद्ध है लेकिन विकास के पैमाने पर काफी पिछड़ा नजर आता है। क्षेत्र की बड़ी आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। रोजगार के अवसर नहीं होने से युवाओं को दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। घाटोल की सियासी तस्वीर देखें तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट चौंकाने वाले नतीजों के लिए जानी जाती है। यहाँ की जनता ने बीजेपी और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों को भी मौका दिया है। फिलहाल इस सीट से बीजेपी के हरेंद्र निनामा विधायक हैं। पिछले 5 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो घाटोल में बीजेपी का दबदबा नजर आता है। 1998 में कांग्रेस के नाना लाल विधायक बने, बीजेपी के नवनीत लाल विजय हुए। 2008 में नाना लाल निर्दलीय विधायक बने। 2013 में बीजेपी के नवनीत लाल चुनाव जीते। 2018 में बीजेपी के हरेंद्र निनामा विधायक बने। घाटोल विधानसभा क्षेत्र में 2,64,000 से ज्यादा मतदाता है। जातीय आंकड़ों पर नजर दौड़ाए तो यहाँ ST वर्ग के मतदाताओं की संख्या 70% है, वही 15% OBC, 4% SC और सामान्य वर्ग के वोटर्स की तादाद 11% है। क्षेत्र के घाटोली गांव में जहाँ लगातार जो समस्या आ रही थी वो बाईपास को लेकर आ रही थी और उनकी मांग एक ही है, जो सिटी के अंदर से जो रोड निकल रही है उसमें लगातार जाम रहता है। हम आपको ये तस्वीर दिखाएंगे, जो लगातार जो जाम दिख रहा है वो आप देखिए, इसकी जो लगातार जो समस्या रहती है उसमें आप देखेंगे कि ये समस्या, इनकी प्रमुख मांग यही है कि जो लगातार जो ट्रैफिक जाम रहता है उसे सरकार यहाँ और विधायक यहाँ की निजात दिलाए। और यही मांग करते हुए जो विधायक है वो कह रहे हैं कि हमने इसके लिए स्वीकृति पास कर ली है और जल्दी इससे हम यहाँ की जनता को निजात दिलाएंगे। और यहाँ की जनता से हमने लगातार यही जाना है कि इस विधायक ने क्या कार्य किए, विधायक के कार्यों को लेकर जनता ने कुछ पक्ष में बोले, कुछ विपक्ष में बोले। और अब देखने वाली बात यह है कि जनता आने वाले चुनाव में किसके वोट देगी और किसको इस सीट पे बिठाएगी। विधानसभा के कई हिस्सों में मूलभूत सुविधाओं का टोटा दिखता है। शहर से गांव तक की सड़कें जर्जर हालत में हैं। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अवैध अतिक्रमण के चलते क्षेत्र में जाम की समस्या भी तेजी से बढ़ रही है। घाटोल सीट के प्रमुख चुनावी मुद्दे, बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार पर आक्रोश, चिकित्सा व्यवस्था को लेकर नाराजगी, पेयजल और सिंचाई के पानी की कमी, बाईपास का निर्माण कार्य अब भी अधूरा पड़ा है, सरकारी कॉलेज की मांग बरकरार। विधायक हरेंद्र निनामा का दावा है कि उन्होंने 4.5 साल के कार्यकाल में हर क्षेत्र में विकास कराया है, जगह जगह हैंडपंप लगवाए ताकि पेयजल की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो सके। हमारे यहाँ 368 गांवों में मैं जब प्रधान था उस समय प्रपोजल मांगा था,
और अभी जल जीवन मिशन योजना भारत सरकार ने लागू कर दी। हमारा एक भी गांव सूट नहीं रहा, हर घर घर नल, हर घर घर जल, ये योजना भारत सरकार ने लागू की है। बांसवाड़ा डूंगरपुर में पहले स्टार्टिंग और कई पंचायतों में जैसे बाणपाड़ा में शुरू हो गया। अभी कल बसियाड़ा के कार्यकर्ता आए थे, वो सर्वे करके ले गए ऐसा कैसा घाटोल के अंदर टंकियां बन गई, दूसरी जगह टंकियां बन गई। मोदी सरकार की योजनाओं की बदौलत विधायक हरेंद्र मीनामा सत्ता में वापसी का दम भर रहे हैं, लेकिन जन के मन में क्या है और वो किसके वादों पर अपनी मत लगाएगा, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। तक सरकारी कॉलेज नहीं है। विधायक घाटोल ने वायदा किया था कि हम जितते ही तुरंत प्रथम वर्ष में सरकारी कॉलेज खुलवा देंगे, लेकिन आज तक सरकारी कॉलेज नहीं खुलवाया। दूसरी समस्या है, यहाँ मेन समस्या ट्रैफिक जाम होता है, बार बार बाईपास की हम बरसों से मांग कर रहे हैं। विधायक ने भी कहा था हम बाईपास निश्चित रूप से बनवाएंगे, केंद्र सरकार से मांग करके कि बाईपास लाएंगे, लेकिन आज तक उस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। आए दिन यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके बस स्टैंड बना रखा सरकार ने, लेकिन उस बस स्टैंड के अंदर असामाजिक तत्वों ने अड्डा बना रखा है, एक भी गाड़ी उसके अंदर जाती नहीं है, न कोई ऑटो वाला जाता है न कोई बस वाला जाता है। आए दिन ट्रैफिक की मेन समस्या है, रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन कोई धोरी धड़ी नहीं है, कोई ट्रैफिक मैन नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है और कोई इस ट्रैफिक को संभालने वाला नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ दो स्थानीय डॉक्टर हैं और दो दूसरे डॉक्टर हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, बाकी तीन चार सात पोस्ट जो कंपाउंडर की थी वो विलोपित हो चुकी हैं, वो पोस्टें वापस क्रिएट करके और वापस स्टाफ लगाया जाए तो चिकित्सा सुविधा बेहतर हो सकती है। यहाँ की मेन समस्या आपके सामने दिख रहा है, परमानेंट आए दिन जाम लगता है, अभी पोस्ट ऑफिस चौराहे पर भी जाम लगा हुआ है, आप एक गाड़ी अभी भी खराब पड़ी हुई है, वहाँ पर 200 से 200 गाड़ियाँ इधर रुक जाती है, फिर वो वाला ट्रैफिक खुलता है और ये निकलती है, ये परमानेंट। और कम से कम जब से सरकार 2014 से बनी है भाजपा की, तब से वादा किया था नरेंद्र मोदी ने कि बेणेश्वर धाम की कसम खाता हूँ पहले घाटोल का बाईपास निकालूंगा, उसके बाद दूसरा काम करूंगा, उसके बाद भी आज दिन तक किसी ने इसकी सूद नहीं ली। और यहाँ पे हमने सबसे बड़ी मांग रखी थी बस स्टैंड पे, जो हमारा बस स्टैंड बना हुआ वहाँ पर बसें वहाँ रुके, लेकिन आज दिन तक कोई भी बस नहीं रुकी, नेताओं की मिली भगत से वो सब काम चल रहा है, जैसे पुरानी पद्धति से चल रहा था वैसे ही चल रहा है। हमारी एक और समस्या हॉस्पिटल में, जैसे 5 बेड का हॉस्पिटल है 10 बेड का हॉस्पिटल है, वही बेड है आज दिन तक, जब MLA साहब ने बनने से पहले वादा किया था कि मैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और अच्छे अच्छे दिखाया था, लेकिन उनकी सरकार नहीं आने से उन्होंने भी कुछ नहीं किया, फिर भी यहाँ पे उन्होंने उनके द्वारा कोई भी एक भी काम गिनाने लायक नहीं है। जो समस्या है नरवाली का रोड आज भी दस के नस हो के रहा है, वो भी जैसा है वैसा ही है, समस्या है तो गिनेंगे तो सवेरे से गिनेंगे शाम तक गिनते ही रहेंगे, तो भी कुछ भी करे विधायक द्वारा तो कुछ हुआ ही नहीं है। पूर्व में जो हरे विधायक है उन्होंने थोड़ी बहुत सूद लेके जनता के छोटे मोटे काम है वो खुद जाके सरकार थी तो उन्होंने करवाए। इस समय हम जीतने का, उस समय की परिस्थितियां अलग थी, इस समय हमारे पास मेरे पास बहुत सारे मुद्दे, भारत सरकार और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने इतनी प्रकार की जन लोक सेवा हित के अंदर, गांवों के हित में, जनता के हित में, गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, राजस्थान को आगे बढ़ाने का और बांसवाड़ा जिले को रेल वगैरह परियोजनाएं देने का काम किया, शिक्षा की आमूल सूल परिवर्तन नई नीति लागू करने का काम किया, इन सब बातों को लेकर के हम फील्ड में जाएंगे, जिसकी वजह से जनता हमारे साथ खड़ी हुई, इसमें ये हमारा चुनावी मैन्युफैक्चर रहेगा और हम भारत सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे, इसके और कांग्रेस की बुराइयों को हम जनता के सामने रखेंगे। उन्होंने 4.5 साल में लड़ा, आपसी लड़ाने का काम किया, कुर्सी बसाने का काम किया, इसके अलावा कुछ काम किया नहीं, झूठे वायदे कर दिए, किसानों के कर्जे माफ करने का काम कहा था उन्होंने, संपूर्ण कर्जे माफ करने का, एक रुपया किसानों को माफ नहीं हुआ, बेरोजगारों को नौकरी देने का काम किया था, भत्ता देने का काम वायदा किया था, एक भी बेरोजगार को भत्ता नहीं दिया, नौकरियां नहीं दी, पेपर लीक हुए, ये सारे मुद्दे उनकी विफलता का भी हम जनता के बीच में रखेंगे। इसलिए इसने जितने भी वायदे किए थे 5 साल पूरे हो गए, एक भी काम नहीं हुआ, चुनाव के 2-3 महीने रह गए, सितंबर में तो हो सकता है अक्टूबर में तो ऐसा सीता लग जाएगी, इसके बाद हम
मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन दो साल के दरमियान में कुछ जनता की मांग थी, इस एरिया की मांग थी, माननीय हमारे टीडी मंत्री बने राजेंद्र सिंह बामनिया, उन्होंने भी इस क्षेत्र में मेरे कहने पर कुछ काम दिए हैं, पंचायतों में दिए हैं। मैं बांसवाड़ा से घाटोल विधानसभा सीट का हाल लेकर आया हूं। मैं हूं आकाश सेठिया। अब हम देखेंगे कि विधायक महोदय ने 5 सालों के अंदर क्या कार्य किए जिससे जनता यहां की संतुष्ट है या नहीं है, उसी को लेकर यहां की जनता से हम बात करेंगे। जो विधायक के जो कार्य हुए हैं उससे यहां की जनता क्या कहती है, जिससे उनके कार्यों में कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र को लेकर, आप बताइए क्या कार्य किए। ये हमारे MLA साहब हरेंद्र जी निनामा ने बायपास का मुद्दा उठाया, जो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। घाटोल में ट्रैफिक अवरुद्ध रहता है, रोड क्रॉस नहीं कर सकते और वो इसमें काफ़ी परेशानी है, और उन्होंने बाईपास के लिए काफ़ी प्रयास किए और ये हमारा सेंक्शन है और प्रोसेस में अंडर प्रोसेस है। इसी तरह से उन्होंने रेल का मुद्दा भी उठाया है, वो भी अंडर प्रोसेस है। और ये विधानसभा में समय समय पर ये गहलोत सरकार के इनके जो लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं रह गई है, बलात्कार है, हत्या है, अपहरण है, और इस तरह के इनकी जो तुष्टिकरण की नीति है और ये विशेष वर्ग को खुश करने के लिए वोट की राजनीति कर रहे हैं, वो बहुत गलत है, बहुत दुखदाई है। वो कभी कभी विपक्ष एक पर्टिकुलर पार्टी BJP के खिलाफ या मोदी के खिलाफ बात करते करते ये देशद्रोह की बातें करने लगते हैं, और UCC ला रही है गवर्नमेंट, उसमें कोई बुराई नहीं है, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है ये, और संविधान के अनुसार हमको ये चीज़ मिली हुई है। UCC क्यों लागू नहीं होना चाहिए, नहीं तो आज हम देख रहे हैं आज ये फ्रांस जल रहा है और वहाँ पर क्या हालात हो रहे हैं, और इस देश इन चीज़ों को देखते हुए हमको संभलना चाहिए और सबक लेना चाहिए। दूसरी, इस BJP सरकार ने हमारे देश को मजबूत किया, अगर हम सुरक्षित नहीं, हमारा देश सुरक्षित नहीं है तो विकास का कोई मायने नहीं रखता है। विकास भले कम हो लेकिन हम सुरक्षित होना चाहिए और हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए। उन्होंने डिफेंस को मजबूत किया है, फाइटर लड़ाकू विमान खरीदे इन्होंने, बुलेट प्रूफ जैकेट दिए इन्होंने, और ORP वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा था वो इस गवर्नमेंट ने सुना, इस BJP गवर्नमेंट ने सुना, बाकी सब सुनते ही रहे, इन्होंने नहीं कहा था एक बार। हाँ, हमारे लोकल क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी काम किए हैं BJP गवर्नमेंट से, और ये लेबल लगा देते हैं कि कांग्रेस का बहुत कुछ हमारे जो उसे हैं जो। और दूसरी बात, हमारी ये जो फ्री वाली जो रेवड़ियाँ हैं आप पार्टी वो चाहिए, ये बहुत गलत है, हमारे लोगों को ये काम छोड़ निकम्मा बना रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बाकी MLA ने काम किए हैं उसमें कोई शक नहीं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम राय लेंगे कि वो क्या चाहते हैं और सरकार ने जो काम किए। हमारे भी हमारे ग्राम पंचायत ठिकरा चंद्रावत में MLA साहब ने जो 7 किलोमीटर क्रॉस करके जाना पड़ता था वो 1 किलोमीटर का रोड जो किए हैं वो बहुत अच्छा किया है, जाने में सुगम हो गया है, बच्चों को पढ़ने जाने में समय कम लगता है। दूसरी बात, जहाँ शमशान घाटों की जरूरत थी वहाँ पे सब शमशान घाट लगाए, हेडपम्प लगाए, कुल मिला के कार्य सब हुआ है, अच्छा किया है। अब देखो, जब BJP सरकार थी राजस्थान में उस समय 1 तारीख को पेमेंट आ जाता विधवा भत्ता होकर, आज 3-4 महीने हो गए न तो पेमेंट मिल रहा है, और लोग बुढ़े बहुत घूम रहे, या पंचायत समिति 150-200-500 लोग डेली आते हैं जाते हैं, अब पता भी नहीं पैसा आया है नहीं आया है, क्या महंगाई रहा, चीज़ चल रहा, उससे लोगों को लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिला, सिर्फ घोषणा की घोषणा में देखो किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन मिल नहीं। आज भी मैंने पूछा गैस वालों को, नहीं इतना ही पैसा भरना पड़ता है, तो किसी घोषणा करने से थोड़ा काम भी तो होना चाहिए। नहीं हुआ है बहुत कार्य, रोड का तो हुआ है, BJP सरकार ने किया, बहुत अच्छा काम किया। पानी की समस्या तो है नहीं है, हेडपम्प लगा दिए जगह जगह पे, जिसे सार्वजनिक है उस जगह पे हेडपम्प लगा दिए, रोड जहाँ लंबा था उसको छोटे क्रॉस करके निकाल दिए सीधे रास्ते, RCC करवा दी, सब अच्छे काम, नालियाँ की व्यवस्था होगी, सब व्यवस्थित काम हो रहा है। हमारे साथ कुछ व्यापारी लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम राय लेंगे कि इस विधानसभा क्षेत्र में विधायक द्वारा क्या अच्छे कार्य किए गए व्यापारियों के लिए भी। जी नमस्कार, माननीय विधायक महोदय जो हमारे घाटोल के हैं हरेंद्र जी निनामा हैं, उनका जब से कार्यकाल प्रारंभ हुआ है तब से मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जिस रोड पर हम अभी वर्तमान में खड़े हैं, मैं आपके कैमरामैन से भी निवेदन करूँ कि ये जो सड़क जारी है CHC घाटोल से लगाकर NH तक जारी है, 1 किलोमीटर की रोड 80 लाख रुपए की लागत से उनके माध्यम से TAD मंत्रालय के द्वारा बनवाई गई है। और उसके अलावा जब कोरोना काल था, कोरोना काल के समय में जब भी आवश्यकता CHC के माध्यम से हुई तो जब भी इन्होंने बजट मांगा है, जो भी राशि मांगी गई है, मैं खुद उस समय उनके साथ भी गया 1-2 बार एक आम नागरिक के रूप में, तब मैंने ये देखा कि उन्होंने जब भी जितनी ज़रूरत है लाखों रुपए उन्होंने इस CHC को दिए,
और साथ ही उन्होंने सांसद महोदय कनकमल जी कटारा से निवेदन करके घाटोल में ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी निवेदन किया और यहाँ पर वर्तमान में ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है और हमारा कम से कम 20 बेड का ऑक्सीजन सप्लाई भी होता है और अभी वर्तमान में बन भी रहा है। इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। छोटे गाँव में जहाँ शमशान घाट की कमी थी, शमशान घाट की बाउंड्री बाकी थी, छोटे मोटे सड़क थे, पुल थे, इन सभी का कार्य भी माननीय विधायक महोदय के मद से किया गया है। गर्ल्स स्कूल जो घाटोल थी, एकमात्र हमारे उपखंड की एकमात्र गर्ल्स स्कूल थी जो 12वीं तक केवल बालिकाएं पढ़ती थी और उस बालिकाओं को उस स्कूल को महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम कर दिया गया था जिससे बालिकाओं के स्पेशल बालिकाओं के पढ़ने के लिए कोई विद्यालय नहीं रहा था। तो माननीय विधायक महोदय के प्रयासों से उसको लाल बहादुर शास्त्री में शिफ्ट किया गया और अब जो बालिकाओं के लिए स्पेशल स्कूल है वो अब सुरक्षित है और एकमात्र स्कूल वो बची है और वो भी माननीय विधायक महोदय के प्रयासों से हुआ है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कार्य हुआ। आप बताइए अपने क्षेत्र में, घाटोल के जो क्षेत्र है उसमें क्या कार्य हुआ। नमस्कार। हरेंद्र जी निनामा का कार्यकाल बहुत अच्छा है और हम पूरी तरह से उनसे संतुष्ट हैं। रोड का मामले में हो या स्कूलों में हो, हर क्षेत्र में उन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया है और हमें पूरी तरह से हम उतनी उनसे संतुष्ट हैं। तो आप 100 में से उनको कितने अंक देंगे? सर 100 में से हम उनको 90 अंक देंगे। और जो लगातार जो बाईपास की मांग चल रही है, बाईपास के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं और बाईपास घाटोल के लिए बहुत जरूरी है और हमेशा ट्रैफिक यहाँ पे जाम रहता है, 2 से 3 घंटे जाम लग जाता है और बाईपास तो यहाँ घाटोल के लिए बहुत ही जरूरी है और ये बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रयास भी किया है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे जैसे आपके क्षेत्र में लगातार जो जाम की व्यवस्था है उसको लेकर अभी तक विधायक ने कुछ कार्य किए? विधायक साहब तो बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन बाईपास नहीं बनने की वजह से आए दिन ट्रैफिक जाम होता रहता है और लॉ एंड ऑर्डर की पालना नहीं हो पा रही है। आपके यहाँ लगातार सुनने में आ रहा चोरियाँ भी बहुत होती है, उसमें आप क्या करें? लॉ ऑर्डर की कमी है, लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, उसकी वजह से स्टाफ भी नहीं है, थानों में कम है, जितने का स्टाफ होना चाहिए तो पूरा है नहीं। तो जो विधायक ने क्षेत्र में कार्य किया उसके आप संतुष्ट हैं? विधायक साहब से संतुष्ट हैं, उन्होंने पूरा प्रयास किया है लेकिन विधायक साहब की पार्टी की सरकार नहीं होने की वजह से कुछ कमियां हो सकती है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा जो अपने क्षेत्र में पानी की जो समस्या थी, पीने के लिए हो या सिंचाई के लिए, उसमें कुछ कार्य किए? पानी की समस्या से हमारे विधायक साहब ने बिल्कुल भी निजात दिला दी। घर के आंगन में बिल्कुल, मतलब यूँ कह सकते हैं कि कमरे के अंदर भी नल का पाइप जा रहा है, ऐसी मेन रोड पे सुविधा कर दी, आप चाहे तो देख सकते हो। और अब अंतिम जो दौर है विधायक साहब का, उन दिनों में विधायक साहब से हमारे विधायक महोदय से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द बाईपास का कार्य सुचारू रूप से चालू करवाने की कृपा करें तो फिर से आने की उम्मीद कहीं ना कहीं जग सकती है। तो आप अंक कितने देंगे विधायक? 100 में से 95 अंक देंगे, किसी प्रकार की मतलब कोई प्रकार की असंतुष्टि नहीं है, पूरी संतुष्टि है हमारी। आप बताइए जो विधायक ने कार्य किया उसमें आप क्या कहेंगे? विधायक के कार्य बहुत अच्छे हैं और जो बाईपास की सौगात है वो घाटोल के लिए बहुत बढ़िया है। इस बाईपास अगर हो जाता है जल्दी काम तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इस बाईपास नहीं होने की वजह से घाटोल में अब तक लगभग 30 से ज़्यादा लोगों की, युवाओं की मौत हो चुकी है। विधायक ने बहुत अच्छा काम किया हमारे। और जो कांग्रेस सरकार जो राहत शिविर कैंप के नाम पे जो चल रहे हैं वो कुछ भी नहीं हो रहा, उसमें जो ऑलरेडी सब योजना चल रही है उसी का खाली वो निकाल के दे रहे हैं, बाकी कुछ काम नहीं हो रहा उसमें। घाटोल की जो DLC है मार्केट वैल्यू से दुगुनी कर रखी है। आवासीय भूमि की जो दरें हैं वो शहरी क्षेत्र से भी दुगुनी है। बांसवाड़ा की अगर 200 है तो घाटोल की 400 कर रखी है। दूसरा, घाटोल में DLC के लिए कोई जोन डिसाइड नहीं कर रखे हैं। जैसे घाटोल मुख्य हाईवे पे अगर कोई किसी भूमि की रेट अगर 400 रुपया है तो वही की वही 2 किलोमीटर अंदर जो है भूमि उसकी भी कर रखी है, जिसकी वजह से आम जनता को भूमि खरीदते समय मार्केट वैल्यू से अधिक DLC की दर पर स्टाम्प ड्यूटी चुकानी होती है, जो जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। सरकार को दरें निर्धारित करनी चाहिए, जोन अलग अलग बना के, घाटोल जो क्षेत्र है जितना भी है, ये डुंगरिया है, खमेरा है, घाटोल है, डुंगरीपाड़ा, जो पाड़े हैं, जो पाड़ों की जो रेट है वो घाटोल के समान कर रखी है, वो सब अलग अलग जोन बना के डिसाइड करना चाहिए। मीटिंग कॉल करनी चाहिए, कलेक्टर को पावर है, कलेक्टर को मीटिंग कॉल करनी चाहिए, कलेक्टर MLS को आम जनता को बुला के मार्केट वैल्यू तय करें। समस्या को लेकर आप कलेक्टर के पास? पिछले 15 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, पिछले 15 साल से प्रयास कर रहा हूँ, 2007-08 से आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई।
कई बार कलेक्टर साहब को भी जाके पर्सनली मिले, लेकिन इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया।